नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और हम यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी से जुड़ी हुई खबर लेके आते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम हर तरह का डेवलपमेंट, हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, आज के समय में यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर हर किसी का सपना है कि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, या उन लोगों के प्लॉट जिनके ऑलरेडी यहाँ प्लॉट हैं उनको देख के उनका इरादा जरूर होता है कि यहाँ पे आज के समय में जो रेट हो गए हैं, क्या हम भी यहाँ एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस शहर के अंदर आपको हर तरह की वो सुख सुविधाएं देखने को मिलेंगी जो और किसी शहर के अंदर नहीं है अभी। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर आज के समय में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है, जिसके लिए डेट दी गई है कि सितंबर 2024 में यहाँ से पहली उड़ान भरी जाएगी। इसी के साथ साथियों, वर्ल्ड लेवल की फिल्म सिटी जिसका कार्य जल्दी चालू हो जाएगा सेक्टर 21 के अंदर, यमुना प्राधिकरण का सेक्टर, आपको और भी सारी सुविधाएं इस शहर के अंदर देखने को मिलेगी। अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जिसमें आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी IGI एयरपोर्ट से लेके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के लिए। पोर्ट टैक्सी की सुविधा यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ इस शहर के अंदर आपको बड़े रोड, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर, या अगर आप दिल्ली NCR में कहीं पे भी रहते हैं तो आप जानते हैं हर जगह ट्रैफिक है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग रहा है, आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपका आधा दिन ट्रैफिक में ही निकल रहा है। तो साथियों, यहाँ पर आपको अच्छे रोड, क्लीन रोड और बड़े रोड देखने को मिलेंगे। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपको यमुना एक्सप्रेसवे देखने को मिलता है, जो कि आप हमारी वीडियो में भी देख पाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे के साथ आपको यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी मिलती है और दिल्ली बम्बई कॉरिडोर की कनेक्टिविटी भी जल्द आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ आपको हर तरह की वो सुख सुविधाएं मिलने वाली है जो और किसी शहर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि अब हम हर पॉकेट्स में जा रहे हैं, जितने भी यहाँ सेक्टर है, सेक्टर 18, सेक्टर 20 या सेक्टर 16, सेक्टर 17, हर सेक्टर में जाएंगे, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हर सेक्टर की वीडियो आप तक पहुंचाएंगे ड्रोन के माध्यम से। क्योंकि आप भी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के जो सेक्टर हैं, उन सेक्टर के अंदर हर जगह प्लॉट मार्केशन होती जा रही है, डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द अलॉटिस को उनके प्लॉट भी यहाँ मिलते रहेंगे। साथ में अलॉटिस अगर चाहते हैं कि उनके प्लॉटों की यहाँ रजिस्ट्री होगी है तो अपने प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन भी वो करवा रहे हैं। साथियों, अगर हम इसके साथ बात करें, आज के समय में इन सेक्टर के अंदर आपको हर वो साइज देखने को मिलता है जो कि एक जनरली हर परिवार की जरूरत होती है। आपको सबसे छोटा साइज यहाँ 60 मीटर का देखने को मिलेगा, 90 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 और 4000 स्क्वायर मीटर तक के रेजिडेंशियल प्लॉट इन सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, रेट की अगर हम बात करें तो रेट बहुत वाजिब है यहाँ पे आज के समय में, क्योंकि आप काफी लंबे समय से अगर आप विचार कर रहे थे कि हम यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के सेक्टर में प्लॉट ले लें, तो आप भी जानते हैं दिन पर दिन यहाँ रेट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये आपके लिए आज के समय की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की अपने लिए प्रॉपर्टी ले लेते हैं। साथियों, रेट की बात भी हो गई, क्योंकि रेट भी आपके पॉकेट्स का ही है। आज भी अगर आप और जगह, अगर दिल्ली NCR में कहीं पर भी लेते हैं प्लॉट, तो आप भी जानते हैं उससे कम रेट पे आपको यहाँ आज के समय में प्लॉट मिल रहा है और सुख सुविधाएं हर तरह की मिल रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत, आप जानते हैं दिल्ली NCR जैसे जोन के अंदर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा, जो आपको आज के समय में बीमारी ग्रस्त कर रहा है, बीमारियां लगा रहा है, पोल्यूशन, सांस नहीं आ रहा है, तो अच्छी हवा के लिए आप यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी का रुख कर सकते हैं। आपको वो सारी चीज़ें जो और शहरों में नहीं मिल रही थी वो यहाँ मिलेगी, अच्छी हवा, अच्छा पानी, सब चीज इन पॉकेट्स, इन सेक्टरों में आपको मिलेगा। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया, ड्रोन के माध्यम अब हर पॉकेट्स को हम कवर करेंगे, 300 मीटर की भी हर पॉकेट्स के अंदर, और कर भी रहे हैं जैसा आप देख रहे होंगे हमारी वीडियो को, तो उन पॉकेट्स में भी जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं हर पॉकेट तक जाना हमारा पहले संभव नहीं हो पा रहा था। तो अब आप हर पॉकेट्स का रिव्यू इस स्टार्टिंग वीडियो से ही देखेंगे। और ये सेक्टर 18 और सेक्टर 20 का मेन एंट्री गेट है, जो 100 मीटर रोड से एंट्री करते हैं। तो इसके साथ हमारी जो वीडियो यहां से स्टार्ट हो करेगी, और हर पॉकेट्स का जो भी हमारा थंबनेल आएगा उसके ऊपर हम
पहले ही आपको बता देंगे कि किस पॉकेट का रिव्यू है ये और किस पॉकेट का डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ चल रहा है। बात कर लेते हैं साथियों, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन भी करवा रहे हैं तो साथियों मलिक प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन इस काम में काफी लंबे समय से यहाँ जुड़ी हुई है। हमारा जो ऑफिस है बिल्कुल यमुना अथॉरिटी के नियर है, अंसल गोल्फ लिंक के अंदर, ऑफिस नंबर 35, नियरेस्ट नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन। आप आके विजिट भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हो या लेनी हो आपको तो उसके लिए आप आइए, बिल्कुल हम आपको हर तरह की कोशिश करेंगे आपके सवाल का आंसर देने के लिए और उसका उत्तर पूरा प्रॉपर दिया जाएगा। तो आज के समय में यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी पर भरोसा करिए, बेस्ट रिटर्न बेस्ट फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर इज हेयर। मैं जैसे अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आज के समय में सबसे अच्छा फ्यूचर आपको यही मिलेगा, बड़ी ग्रीन बेल्ट, बड़े रोड, सब चीज सुख सुविधाएं आपको यहाँ मिलने वाली है। तो साथियों यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे सेक्टर 18 सेक्टर 20 के बोर्ड से, 100 मीटर रोड से, और साथ में पूरा दिखाते हुए अपनी पॉकेट्स में लेके जाएंगे कि किस पॉकेट का रिव्यू आज हम कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में, चलते हैं हम पॉकेट्स का रिव्यू करने। तो साथियों सबसे पहले हम आपको 360 डिग्री पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 100 मीटर का रोड है जो सामने आप देख रहे हैं, और ये भी आपका 100 मीटर का रोड है जो आगे इंडस्ट्रियल और आपका एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ग्रीन बेल्ट और ग्रीन बेल्ट के साथ आपका यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि आप जीरो पॉइंट से लेके मथुरा आगरा और आगे भी जा सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं ओसिस ग्रुप, एटीएस ग्रुप आपको दोनों दिख रहे हैं। इसके साथ हम जैसे जैसे आगे की तरफ देखेंगे 360 डिग्री पर, तो ये आपका दिल्ली साइड है जो अभी हम देख रहे हैं सामने। ग्रीन बेल्ट फ्यूचर में आपको मेट्रो स्टेशन ही मिलेगा, 100 मीटर का रोड, पावर हाउस जो कंप्लीट हो चुका है सेक्टर 18 के कॉर्नर पर के, आगे गौर यूनिवर्सिटी, और गौर यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप सेक्टर 18 का एंट्री, और ये नीचे 100 मीटर का रोड जिससे हम एंट्री करते हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, डाउन लेके आएंगे, जो कि आपको सेक्टर 18 और सेक्टर 20 का जो एंट्री गेट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो साथियों अब हम आगे गए हैं और आगे जाके सीधा हम ये पहुंच गए हैं, 100 मीटर रोड से हमने एंट्री करी है। एंट्री करके आज हम सबसे पहले आपको जो रिव्यू करवा रहे हैं, ये एफ पॉकेट है सेक्टर 20 की, जिसके अंदर आपको 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट देखने को मिलते हैं, और 300 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट है लगभग 600 से 700 प्लॉट इस पॉकेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे से हम एंट्री करके आए हैं, 360 पे एक बार आपको दिखाएंगे। देखिए सामने वाटर टंकी है और एक साइड आपको ई पॉकेट, एक साइड एफ पॉकेट, बीच में 24 मीटर का सर्विस रोड। आगे की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये 100 मीटर का रोड, आगे आप वाटर टंकी देख रहे हैं जो 3B पॉकेट के पास है, ये आपकी 2A पॉकेट है सेक्टर 18 की, आगे गौर यूनिवर्सिटी, और ये वापस हम 100 मीटर का रोड जो हम सेक्टर 18 20 से एंट्री लेके आए थे। तो साथियों अब चलेंगे साथ में हम सेक्टर 20 के एफ पॉकेट में। आगे अगर आप देखें तो 24 मीटर का रोड है, और 24 मीटर सर्विस रोड से ही हम आगे की तरफ लेके जाएंगे ड्रोन को। देखिए हम पूरा रिव्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। राइट साइड में अगर आप देखें तो आपको ई पॉकेट है जो कि 1000 स्क्वायर मीटर की है, और लेफ्ट साइड जहां आपको वाटर टंकी दिख रही है ये आपकी एफ पॉकेट है, जिसके अंदर 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। डायमेंशन की बात करें 12 मीटर फ्रंट होने वाला है और गहराई आपकी 25 मीटर की होने वाली है। तो साथियों हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल कनाल तक जाएंगे, जो पीछे कनाल है जैसा आप जानते हैं पॉकेट के पीछे कनाल आने लगती है, तो कनाल तक जाने की कोशिश करें। देखिए जब हम 24 मीटर रोड से आगे की तरफ जा रहे हैं ड्रोन से, तो बीच में किसान अपनी खेती भी कर रहा है, जो पैच आप देख पा रहे होंगे कि जुड़ा हुआ नहीं है। तो साथियों हम आगे की तरफ चल रहे हैं, और देखिए सेक्टर 20 के एफ पॉकेट के अंदर आपको दो बड़े पार्क भी देखने को मिल रहे हैं। और देखिए ये हम यहाँ से हमने वापस आगे की तरफ कराए, तो देखिए नीचे अगर आप देखें तो रोड बने हुए हैं, स्ट्रीट पोल भी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं आती है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का काम आप नीचे देख पा रहे हैं। साथियों मलिक प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये काम करती है, अगर आप चाहें तो मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन को भी चुन सकते हैं। तो साथियों ये आगे की तरफ देखिए एफ पॉकेट के अंदर नीचे प्लॉट लगे हुए भी दिख रहे हैं, मार्केशन भी हुई है, सीवर का भी, रोड का भी काम दिख रहा है, मगर कई जगह पे किसान भी खेती कर रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। आगे जैसा आप जानते हैं कि सामने आपको दिख रहा है कि बाग है, पेड़ लगे हुए आम के, वो जी पॉकेट चालू हो जाती है, बीच में डिवाइडिंग रोड है 18 मीटर का। तो अभी हम एफ पॉकेट के अंदर आगे जहां बाग है
वो आपका जी पॉकेट है। तो देखिए यहां से हम आगे की तरफ चल रहे हैं, वापस देखते हुए चलेंगे, और देखिए नीचे अगर आप देखें तो आपको क्लियर हो रहा है कि रोड भी बने हुए हैं, सीवर का भी काम हुआ है, मार्केशन भी हुई है, मगर कंप्लीट पॉकेट डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है। अथॉरिटी का कोई कार्य अभी इस पॉकेट के अंदर हमें चलता हुआ नहीं मिला है। जो भी काम है वो पुराना है, क्योंकि 2009 की अलॉटमेंट है, 2009 से अभी तक जो भी कार्य किया गया है वो यही कार्य प्राधिकरण ने किया है। तो साथियों ये आपका 300 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे जहां हमारा 100 मीटर का रोड है, और 100 मीटर रोड की तरफ भी चलते रहेंगे, और आपको पूरा एक बार कोशिश करेंगे कि एफ पॉकेट पूरी अच्छी तरीके से आप देख पाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं पूरे ड्रोन को घुमाने की, जो कि आपको हर चीज एफ पॉकेट के अंदर क्लियर हो जाए। देखिए सामने जो है 100 मीटर का वही रोड है जहां ATS और OSIS ग्रुप है, वहां से हम आगे से आए थे, तो हम वापस जा रहे हैं एप पॉकेट को पूरे को देखते हुए। और ये जो देख रहे हैं आप नीचे 24 मीटर का रोड है, वो भी कंप्लीट अभी बना हुआ नहीं है, जो कि 100 मीटर सर्विस रोड के साथ आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये आपकी एफ पॉकेट है, एफ पॉकेट के अंदर कई जगह पे काम हुआ है, मगर कंप्लीट काम आज के समय में अभी नहीं मिलेगा। और साथियों देखिए हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे हर पॉकेट्स का। अगर आपका भी किसी पॉकेट के अंदर प्लॉट है और आप भी चाहते हैं किसी पॉकेट का ड्रोन के माध्यम से रिव्यू करा जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स एंड मैसेज डाल के भी पूछ सकते हैं। तो साथियों आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है और भरोसा है, क्योंकि आप जितना प्यार हमें करते हैं और हमारी हर वीडियो को आप देखते हैं, तो उसी तर्ज पे हमने पूरा रिव्यू आपको ड्रोन के माध्यम से और जाके पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो साथियों आपका ऐसा ही प्रेम बना के रखिए और हमारी वीडियो रेगुलर देखते रहिए। आप चाहे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन या सवाल हमें कर सकते हैं, हम रेगुलर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भी पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के भी जानकारी ले सकते हैं। हम हर तरह से हर संभव से आपकी मदद करते रहेंगे और सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त, जल्द मिलेंगे हम नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और हमारी पूरी वीडियो आप देखिए। तो वीडियो को करेंगे ही समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथी।